नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से एकदम बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई, और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। आप कम समय में कम सामान में भी इसे बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा, और ये वही आटा जो मार्केट का पैकेट का होता है। तो यहाँ पर ये आटा मतलब बारीकी है, ज़्यादा मोटा नहीं है। तो इसको पहले ऐसे ही रोस्ट करेंगे हम कुछ देर के लिए, बिना घी वगैरह डाले ही। तो यहाँ पर बस जैसे ही थोड़ा सा अच्छे से ये तेज़ गर्म सा हो जाएगा, मतलब भुनने लगेगा आटा, तब इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर हम एक चम्मच देसी घी। तो यहाँ पर घी डालने के बाद इसको मिक्स करके और अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पर आटा जैसे ही मतलब कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा ब्राउन ही करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स करने के बाद देखिए आटे का कलर भी चेंज हो गया। अब एक चम्मच घी और डाल देते हैं इस टाइम। तो यहाँ पर अगर ज़रूरत होगी तो डालेंगे, वरना इतने ही घी में हम बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि कम घी में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर बस इसी में हम अच्छे से इसको भून लेंगे आटे को। तो यहाँ पर देखिए पहले से अच्छे से आटा भूनना शुरू हो गया, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। और ये मैंने ली है हाफ कटोरी चीनी, इसको पहले पीस लेते हैं। और यहाँ पर देखिए चीनी को हमने अच्छे से पीस लिया, ये पाउडर बन गया चीनी का। अब इसके बाद इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आटे भी देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा भुन चुका है। और यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देते हैं, ये थोड़ा सा मैंने पीस कर लिया है 2-3 इलायची को। तो इससे काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आता है इस मिठाई में इलायची का, अगर आप डालते हैं तो। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आटा काफ़ी अच्छा भुन चुका है। अब इसके बाद बस और ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको, हम ज़्यादा कलर भी चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पर बस इसकी गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर थोड़ा सा बंद ही कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको हमें और नहीं पकाना है। अब इसके बाद जैसे हल्का सा बस कुछ सेकंड के बाद ही इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ जो हमने यहाँ पर देखिए चीनी पीस कर रखी है इसको। तो यहाँ पर मैं थोड़ा नाप कर दिखा रही हूँ, हाफ कटोरी इसके अंदर डालूंगी। तो एक कटोरी आटा था तो हाफ कटोरी चीनी पीसी हुई डाल रहे हैं हम यहाँ पर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए ये गरम है, जैसे जैसे गरम में हम मिक्स करते हैं तो चीनी मतलब अपना पानी छोड़ना शुरू कर देती है। और यहाँ पर हम मिठाई सेट करेंगे, ये मिठाई का जो डब्बा है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये खाली डब्बा था तो मेरे पास, मैं इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा पेपर भी लगा दिया था नीचे। और यहाँ पर अभी तो आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा बिखरा बिखरा है, लेकिन अच्छे से सेट हो जाएगा, यहाँ पर ये गरम भी है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे ही हम प्लेन कर देते हैं। तो जैसे जैसे इसको हम प्लेन करेंगे ये अपने आप अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे कुछ और चीज़ डालने वाले हैं, जो केक वगैरह में यूज करते हैं स्प्रिंकल, जो शुगर के बनते हैं ऐसे कलरफुल, तो इसे काफ़ी अच्छा लगता है ये मिठाई। आज हम कुछ अलग तरीके से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर ऐसे डालने के बाद इसको थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसको सेट करने के लिए छोड़ देंगे हम 2-3 घंटे के लिए, ऐसे छोड़ सकते हैं, बाहर भी अच्छे से सेट हो जाती है। और यहाँ पर देखिए मिठाई काफ़ी अच्छे से हमारी सेट हो गई है। मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख दिया था और 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर मिठाई काफ़ी अच्छी बन जाती है, बिना फ्रिज के भी रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इसको हम हटा लेते हैं जो हमने पेपर लगाया था। तो है ना बिल्कुल आसान सा तरीका, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और ये कलरफुल जो शुगर स्प्रिंकल लगाए थे इससे भी काफ़ी अच्छी लग रही है मिठाई। तो ये एकदम नया सा तरीका, आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप इस रक्षाबंधन पर ज़रूर ट्राई करना ये मिठाई, और घर में रखे सामान से ही आप बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है, आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है बाहर से। तो इसके बाद हम कट करके दिखाते हैं, पीसीज भी काफ़ी छोटे बड़े आप कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मिठाई काफ़ी अच्छी बनी है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर तोड़कर भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए मिठाई कितनी सॉफ्ट और हार्ड है। तो वीडियो तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी सभी वीडियो मिलती रहे। और ये देखिए यहाँ पर मिठाई कितनी सॉफ्ट बनी है। फिर जल्द मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।